अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। गणपति बाबा कुछ देवयानी ने किया है। सॉरी बट हाँ, उसने ये सब कल रात किया। पर आप ही तो उसे अपनी बीवी बनाकर लाए हैं, तो भुगतना भी आप ही को पड़ेगा ना। वो एक्चुअली अब उसने अपना वो पत्नियों वाला एटीट्यूड दिखाना शुरू कर दिया है। आपकी तो परमिशन भी नहीं लेती, आपकी बॉटल्स फेंक दी, बिना परमिशन के गणपति भी ले आई है घर में। मनमानी करनी शुरू कर दी है उसने, आपकी सुनती भी नहीं है। पता नहीं और क्या क्या मनमानी करेगी, और सबके सामने आपको अपना पति बुलाती है। अब आपने उसे अपनी पत्नी मान ही लिया है तो ठीक है, पर ये मत भूल जाइएगा कि उसने आपके भाई के साथ क्या किया। आपके भाई के दाहिने पैर की जांघ की हड्डी बिल्कुल चूर हो चुकी है, उनकी हड्डी अपने आप से नहीं जुड़ पाएगी। बेचारी देवयानी,
पंडित जी और आप लोग सब लोग जाकर भोजन कर लीजिए, तैयार है भोजन, हम लोग आते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी शराब की बोतलों को हाथ लगाने की? किसको पूछ के तुमने हरकत की? अपने आप को। है कि दुनिया की कोई भी पत्नी ये नहीं चाहती कि उसका पति दिन भर नशे में रहे। हम बस ये चाहते हैं कि आप ये कड़वा जहर छोड़ दें। अब मेरा जुनून है, मुझे पीना अच्छा लगता है, मैं नहीं छोड़ूंगा शराब, समझ आई तुम्हें? मगर अगले 7 दिनों तक तो छोड़ना ही पड़ेगा। काहे कि हमारे घर पे विघ्नहर्ता गणेश जी आए और ये हमारे मेहमान हैं, अगले 7 दिनों तक यही रहने वाले। अगर फिर भी अगर आपकी इच्छा है कि आप शराब पिए और उनके सामने आए उनका अपमान करें तो आपकी मर्जी है, पर हम सिर्फ इतना कहेंगे कि भगवान अगर 2 हाथों से आशीर्वाद दे सकते हैं तो सजा भी तो दे सकते हैं। पर आपके किए की सजा सिर्फ आपको ही नहीं, आपके पूरे परिवार को भी मिल सकती है। तो फैसला आपका है, आप नशे में रहना चाहते हैं या अपने परिवार की सलामती। देवयानी बिल्कुल ठीक कह रही है रुद्र, नशा जो है वो इंसान को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। छोड़ दे ये शराब पीना रुद्र, छोड़ दे।